थेरेपी में ये कहा जाता है जब कुछ अच्छा ना लगे तो घर के 27 सामान को इधर से उधर कर दें, अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। फिलहाल अच्छा भी नहीं लग रहा है और मैं बोर हो गई थी इस सेटअप से, तो इस सेटअप को चेंज कर रही हूँ। वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। जब तक कैनवस खाली ना हो तो आप उसमें पेंट क्या करेंगे? उसी तरह कमरे को पहले खाली करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से सेटअप किया जाए। ये वाला जो सेटअप है इसे तो कम्प्लीटली चेंज करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से यही सेटअप चल रहा है। तो सबसे पहले खाली करते हैं और क्लीन करते हैं। हर बार नया फर्नीचर तो पॉसिबल नहीं है, तो ड्रास्टिक चेंज करने का तरीका है कि बिल्कुल अपोजिट कर दें, जहाँ था पहले फर्नीचर उससे बिल्कुल अपोजिट साइड कर दें, बशर्ते स्पेस का उतना स्कोप हो तो। फिलहाल इतना सब करते करते मैं थक गई थी, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा, नाश्ता किया और फिर सोचने लगी अब क्या किया जाए। फिर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो दोपहर को फिर से स्टार्ट किया। और वो जो दूसरी वाली दीवार है, ये वाला बेंच याद है मैंने पुराने चेयर्स और दरवाज़ों से बनाया था, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये दूसरे वाले साइड पे रख रही हूँ। हर बार यूजुअली ना मैं प्लान कर लेती हूँ कि क्या करने वाली हूँ, इस बार आई एम गोइंग विद द फ्लो। कुछ समझ में पहले से नहीं आया, बहुत दिमाग नहीं लगाया, जस्ट बैठ के जो आइडिया आते गए उस तरह से मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। तो इस झूले को उस कॉर्नर में शिफ्ट कर रही हूँ, बहुत सालों से ये मुंह के सामने से लटक रहा था, अब उस कॉर्नर में कर रही हूँ उसको। और ये जो कुशन कवर्स हैं इसे चेंज करके ब्राइट कुशन कवर्स कर रही हूँ, फ्लोरल कुशन कवर्स कर रही हूँ। सिर्फ कुशन कवर्स चेंज करने से भी ना पूरे रूम का वाइब जो है वो चेंज कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बस कुशन कवर्स बिल्कुल डिफरेंट कर दीजिए, कलर थीम बदल दीजिए पूरा। सोफे काफ़ी यूज हैं तो बीच बीच में कुछ टेबल्स रखना ज़रूरी है ताकि प्रैक्टिकली उसे यूज़ किया जा सके। तो मैं इस तरह से ना सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो सेटियाँ थी उनको एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर कांच रख के मैंने टेबल बना दिया और उस वाले बेंच के ऊपर इस तरह से कुशन्स रख दिए। अब जब फ्लोरल जाने का प्लान कर ही लिया तो इस बेचारे चेयर को क्यों छोड़े। तो एक थ्रो था मेरे पास फ्लोरल प्रिंट में, उसे रैप कर दे रही हूँ इस चेयर के ऊपर, मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। दीवार में ड्रिल करने के लिए हाई पावर वाला था ड्रिलर और ये एक हैंडी पोर्टेबल ड्रिलर है जिससे ना इस तरह से स्क्रूज और खीले वीले लगाए जा सकते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है। इसे रिचार्ज करो और टुक से लगा दो। ये भी मैंने बनाया था, इसका भी लिंक डाल दूंगी, आपको याद होगा अगर आप बहुत पहले से देख रहे हैं तो। सब वेस्ट मटेरियल से बना था और इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हरा भरा सा लगे। और ये बॉक्स भी बनाया हुआ है, इसमें भी आर्टिफिशियल कुछ पत्ते डाल देते हैं, जितना आप ग्रीन डाल सकते हो ना उतना प्रिटी लगेगा। ये
कॉन्सो टेबल है, इसे मैं अमेज़ोन से मंगाई थी, इसका लिंक मैं डाल दूँगी नीचे, आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। और फिर इसे हम सजाते हैं सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स के साथ। मैक्सिमम चीज़ें घर में पहले से थी या कुछ मैंने हाथ से पहले से बना कर रखा हुआ था, जिसको आपने पहले देखा भी हुआ है बनाते हुए। उन्हीं सब चीज़ों को इधर उधर करके बस प्लेसमेंट चेंज करने से ना रूम का गेटअप बदल जाता है। जितनी भी चीज़ें मैंने हाथ से बनाई हैं या जिसके वीडियोस हैं इस चैनल पे, उन सब के लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और टाइटल दे दूँगी ताकि आपको इजीली समझ में, जैसे ये पेंटिंग है तो मैं लिख दूँगी डायमंड पेंटिंग, तो आप इसके लिंक में जाके डायरेक्ट आप देख के सीख भी सकते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। ये ना पाइनएप्पल जो होता है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको मैंने पानी में डाल दिया है और उसे डेकोरेट कर दिया है। बहुत महीनों तक ये ऐसे ही रहता है, इनफैक्ट पिछली बार तो मैंने इस तरह से डाला, उसमें जड़ निकल आया, फिर मैंने उसे गमले में प्लांट किया तो उसका पेड़ बना और उससे पाइनएप्पल भी निकला जिसे हमने खाया, और उसका फिर से ये जो सर है ये लगाया हुआ पाइनएप्पल का सर है। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे गमलों में। इतनी बकबक और मशक्कत के बाद चलिए देखते हैं फाइनली ये कमरा कैसे दिख रहा है। आई होप यू एन्जॉयड द प्रोसेस, आपको मज़ा आया हो और इंस्पायर हुए हो अपने घर को भी थोड़ा सा रिवैम्प करने के लिए। मुझे तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग लग रहा है, थोड़ा गेटअप चेंज हुआ है, तो आंखों के सामने की जो सीनरी है वो एटलीस्ट बदली है, तो मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में हो तो ज़रूर बताइएगा। घर चाहे बड़ा हो छोटा हो, रेंटेड हो या आपका खरीदा हुआ हो, घर तो घर होता है। घर मकान को घर आप बनाते हैं, तो हमेशा उस जगह को खूबसूरत बना के रखेंगे तो आपका खुद का मन भी अच्छा रहेगा और जो जीने की जो चाहत है ना वो और दुगनी हो जाएगी। होप यू एन्जॉय द पूरा प्रोसेस और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, giving so much time to my videos और मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, YouTube anthem तो कहना भूल गई। Like, comment, share and subscribe। Bye bye।